गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बंजारा जितेंद्र सेसल स्कूल द्वारा बनाए गए होम लर्निंग स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 आर्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 1 प्राचीन भारत का इतिहास जानने की साधन सामग्री के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में समझाया गया है कि भारत के चारों तरफ क्या क्या आया हुआ है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति उसके इतिहास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ यह देश विशेष भौगोलिक परिस्थिति वाला है। महासागर और पर्वत श्रेणियाँ भारत को सुरक्षित रखती हैं। इसके बाद भी प्राचीन समय से यह विश्व इतिहास से अलग नहीं रहा है। इस दुर्गम सीमाओं को पार करके कई विदेशी प्रजा यहाँ आई, उसी प्रकार यहाँ की प्रजा विदेशों में गई। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किमी और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 की है। यह भारत के नक्शे की बात कर रहे हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण 3214 किमी लंबाई और पूर्व से पश्चिम 2933 किमी जितनी चौड़ाई है। स्थल सीमा लगभग 9600 किमी और समुद्री सीमा 8000 किमी जितनी है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी विशाल है। वर्षा, जलवायु और संस्कृति की दृष्टि से अनेक प्रदेशों में इतना अंतर दिखाई देता है कि भारत एक विशाल देश ही नहीं बल्कि कई देशों से मिलकर बना एक पायदीप जैसा लगता है। यही प्रादेशिक भिन्नता सांस्कृतिक दृष्टि से भी विभिन्नता बनाए हुए हैं। इसके पश्चात भी विशाल रूप से एक सब सामान्य संस्कृति लगती है। कई प्रजातियों और संस्कृतियों के सविनय से महान भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ है। तो इस पॉइंट में भारत का परिचय और भारत के बारे में समझाया हुआ है। अब आगे हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास शब्द को दो भागों में बांटा गया है। इति धन हास, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार था। इतिहास की जो व्याख्या है, क्योंकि कई इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्या दी हैं, पर लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं इतिहास अर्थात भूतकाल की घटित घटनाएं, जो भूतकाल में जो घटनाएं घटती हैं तो उसका वर्णन किया जाता है। पर बल्कि ऐसा नहीं, इतिहास अर्थात भूतकाल में घटित घटनाओं का इतिहासकार निरीक्षण करके और सत्य का निरूपण करते हैं। आइए हम आगे इसके बारे में समझते हैं। प्राय अधिक लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि इतिहास में वंशावलियों, युद्धों और राजा महाराजाओं के विवरण दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इतिहास प्राप्त अनेक साधन सामग्री को
वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके एक लंबे समय तक की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है। इतना ही नहीं, वह घटना कैसे घटी हुई उस पर प्रश्न उठाकर समाज पर पड़े असर को स्पष्ट करता है। कई बार नई सामग्री मिल जाने पर इतिहास की नई नई व्याख्या भी करता है। वह सत्य और कल्पना के बीच अंतर स्पष्ट करता है। इतिहासकार ऐतिहासिक आधार का अध्ययन करके उस सत्य का निरूपण भी करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इतिहास अर्थात घटित घटनाओं का आलेखन या फिर विवरण तैयार करना। इतिहासकार जो घटित घटना होती है उस पर निरीक्षण करके और हमारे समक्ष सत्य को रखते हैं। अगर घटना घटी तो कैसे घटी और किस प्रकार घटी वो हमारे सामने अच्छी तरह से उसका आलेखन करते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट, भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा। पश्चिम में ऐतिहासिक घटनाओं को समय अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीयों में इतिहास के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वास्तव में प्राचीन भारतीयों की इतिहास लेखन पद्धति पश्चिमी पद्धति से अलग थी। भारत में सतयुग, श्वेतायुग, द्वापर युग, कलयुग के माध्यम से पुराणों में इतिहास लेखन दिखाई देता है। उसमें से शासकों और राजवंशों की सूची भी मिलती हैं। उनकी सिद्धियों और तथा उनके साथ घटित घटनाओं के बारे में भी चर्चा है। ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कलन ने राज तरंगनी नामक से कश्मीर का इतिहास लिखा। इस प्रकार प्राचीन भारतीय लोग इतिहास से अभिज्ञ नहीं थे, यह बात इससे सिद्ध होती है। फिर भी इसके अलावा और कोई स्पष्ट ऐतिहासिक ग्रंथ भारत में नहीं मिलता, यह भी एक सत्य है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने भारत के इतिहास और भारतीय समाज के विषय में जानने के लिए प्राचीन ग्रंथों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करवाया और इतना ही नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति जानने के लिए ईस्वी सन 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया। उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जर्मन विज्ञान मैक्समुलन ने भारत की सर्वप्रथम ऐतिहासिक सूचना का निरूपण किया। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय भाषाओं को जानने का प्रयास किया। अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख की लिपि खोजी। विस्टन आर्थर स्मिथ यर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे, जो प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ सर्वप्रथम आधारभूत ग्रंथ था। जो कि यह ग्रंथ अंग्रेजों की दृष्टिकोण से लिखा गया था, जिसमें ब्रिटिशरों का गुणगान गाया था। उन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय शासन की तुलना में ब्रिटिश शासन को अधिक उपयोगी बताया था। अंग्रेजों के अनेक दृष्टिकोण से भारत का इतिहास लिखा तो भारत के राष्ट्रीयवादी उनके सामने राष्ट्रीयवाद इतिहास लेखन की जिम्मेदारी ली। उन्होंने
प्राचीन भारतीय संस्कृति का गौरव विश्व के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसी दुर्मत्यपूर्ण राष्ट्रवादी इतिहासकारों में डॉक्टर आर जी भंडारकर और वी के राजवड़े को समावेश करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के लिए धन्यवाद।